चल रही है। तो दीपक बता रहे थे कि 29 सीटों में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में फिर से जो 2014 में जो सीटें मिली थी बीजेपी को 27 सीटें फिर से एक सीट और अधिक मिल रही है, यानी कि कहें जो सिंधिया है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनके हाथ से एक सीट जा रही है वो लगातार, और जो लगातार जो है वो सीट पर बने रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से एक नया इतिहास रचने जा रही है बीजेपी। लेकिन हमारे साथ जो दीपक जो बात कर रहे थे, उन्होंने वहां प्रवक्ता से बात की, बीजेपी प्रवक्ता से क्या कुछ कहा सुनिए। हम बात करेंगे बीजेपी प्रवक्ता लोकेंद्र पाराशर जी से, हम उनसे पूछेंगे कि अभी बीजेपी एकदम बढ़त बनाए हुए है सर, अभी बीजेपी बढ़त बनाए हुए अच्छे 300 पार है इस बार बीजेपी, तो आप कब से तैयारियां चालू कर रहे हैं मिठाई पटाखे फोड़ने की? बीजेपी बढ़त ही नहीं बनाए, प्रचंड विजय की ओर बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पर 300 से ऊपर जाने वाली है और NDA मिलाकर 450-400 तक हम जा सकते हैं, ऐसा अनुमान है। और भारतीय जनता पार्टी को जो पहले से भरोसा था, इसलिए 3 दिन से तैयारी हमारी चल रही थी। आप यहाँ LED लगा के सब कार्यकर्ताओं के लिए मिठाई बन रही है, फटाके फूटने वाले हैं, पुष्प वर्षा होने वाली है, बहुत जोरदार तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये आतंकवाद की हार है, राष्ट्रभक्ति की जीत है। तो सीधे सीधे अच्छा, तो राष्ट्रभक्ति यहाँ जो जो सबसे हॉट सीट मानी गई थी साध्वी प्रज्ञा सिंह की, वो लगभग 35,000 वोटों से आगे, तो आपको क्या लगता है कितना आगे तक वो जा पाएंगे? देखो, आतंक को धर्म का चोला पहनाने का पाप किया था दिग्विजय सिंह ने, भगवा आतंकवाद शब्द की रचना की। पहली बार दुनिया ने सुना कि सैफरन टेररिज्म होता है, ये दिग्विजय सिंह की रचना थी, उसकी सजा उनको मिल रही है। अभी जो कमल हसन का ही बयान आया था कि जो सबसे पहले आतंकवादी थे हिंदू आतंकवाद गोडसे थे, तो सर इस पर क्या कहना है? कमल हसन को अभी रियल लाइफ पता नहीं है देश की, रील में जीने वाला रियल के बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो सर आप क्या लगता है कि अभी कितना और 400 हो सकती समथिंग बीजेपी की NDA समेत? कुछ भी हो सकता है, ये मोदी मैजिक चल रहा है इस देश में, ये विकास की जीत हो रही है, ये आतंकवाद के विरोध की जीत हो रही है, भारत की मजबूती की जीत हो रही है, और भारत के लोग कहीं भी किसी भी स्थिति में इसको ले जा सकते हैं। चाहिए थे हमारे साथ। तो हमारे साथ दीपक बने हुए थे, जिन्होंने प्रवक्ता से बात की, बीजेपी प्रवक्ता से, उन्होंने कहा कि इस बार फिर से 300 से पार जो है बीजेपी सरकार बनने जा रही है। लेकिन उन्होंने जब सवाल किया साध्वी प्रज्ञा को लेकर, तो उन्होंने साफ कहा कि इस बार जो है राष्ट्रवाद की जीत है और आतंकवाद की हार है, ये बात सामने आई। लेकिन जब तक दिलचस्प बात यह है कि इस बार जो जो